हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये फ्री एनर्जी के ऊपर है। दोस्तों, ये 100% वर्क करता है, ये रियल है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है। दोस्तों, ये जो सर्किट है ये आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने एक एंटीना, कुछ इंडक्टर कॉयल और कुछ कैपेसिटर का यूज़ किया हुआ है। ये जो सर्किट है ये रेडियो सिग्नल पर वर्क करता है, ठीक है। जहाँ पर रेडियो सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो सर्किट है वो सिर्फ वहीं पर वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सर्किट को बनाएंगे और ये भी सीखेंगे कैसे हम रेडियो सिग्नल का यूज करके एक एलईडी को ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। एक एलईडी को हम कैसे जला सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ रेडियो सिग्नल का यूज करके, ठीक है दोस्तों। इसमें हम कोई भी बैटरी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इंडक्टर, एक एंटीना और कुछ कैपेसिटर का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, अगर आप नहीं देखोगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉइल बनाया है पीवीसी पाइप पर, कुछ वायर को मैंने यहाँ पर रैप किया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये इसका स्टार्टिंग है। पहले मैंने यहाँ से 30 टन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 30 टन ले लिया है, तो ये हो गया इसका कॉमन। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया 100 टन, ठीक है, 100 टन। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट निकल गया और यहाँ से यहाँ तक ये जो इतना है ये है 20 टन। तो ये जो वायर है ये 36 SWG का है, आप यहाँ पर 34, 35 कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ एनामल का एक इंसुलेशन होता है, तो पहले हमें इसे निकालना होगा। तो उसे निकालने के लिए हमें इसको हीट करना होगा। इन सब का जो इंसुलेशन है उसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। और अभी मैं एक MDF बोर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और दोस्तों, अभी मैं ले रहा हूँ एक एंटीना, ठीक है, और इस एंटीना को मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा। दोस्तों, अभी ये हमारा जो 20 टन का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, इसको लेकर के मैं एंटीना पर कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अभी हमें लेना होगा एक 2x4 का एक सिरेमिक कैपेसिटर, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। इस कैपेसिटर का जो दो टर्मिनल है वहाँ पर हमें कनेक्ट करना होगा, जो इन दोनों का जो बीच वाला टर्मिनल है जो कॉमन का है उसे हमें यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है। और दोस्तों, इस वायर का जो आखिरी वाला टर्मिनल है उससे भी हमें यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना होगा। ठीक है, तो इस कैपेसिटर पर इन दोनों का बीच वाला टर्मिनल और इसका जो आखिरी वाला टर्मिनल उसे हमें यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा, ठीक है। तो अभी हमें लेना होगा एक 1N4148 का एक डायोड, ठीक है। दोस्तों, इस डायोड का जो एनोड वाला टर्मिनल है वहाँ पर हमें ये जो टैपिंग हमने किया था 100 के बाद उससे हमें इसके एनोड पर कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, अभी हमें लेना होगा एक 1000 माइक्रोफ़ारड का कैपेसिटर, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ पहले ग्लू के मदद से। दोस्तों, अभी इस डायोड का जो कैथोड वाला टर्मिनल है उसको लेकर के हमें कनेक्ट करना होगा इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पर। दोस्तों, अभी हमें एक पीस वायर लेना होगा और इस वायर को ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो टैपिंग पॉइंट इन दोनों का जो टैपिंग पॉइंट जहाँ पर कनेक्ट किया था वहाँ से कनेक्ट करते हुए हमें इसको कनेक्ट कर देंगे इस कैपेसिटर के नेगेटिव पर। दोस्तों, अभी हमें लेना होगा एक 10 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को जो कैपेसिटर है इसके एक्रॉस पे हमें कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर बचा हुआ है वो है ग्राउंड का, ठीक है। तो दोस्तों, ये ग्राउंड का वायर है, ठीक है, जो अर्थिंग का वायर होता है, तो उसी को हमें ला करके ये जो कैपेसिटर का जो नेगेटिव है और इन दोनों का जो टैपिंग पॉइंट है
वहाँ पर हमें इसको कनेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों अगर आप अर्थिंग नहीं लोगे तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों जहाँ पर रेडियो सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वहाँ पर भी सर्किट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके घर पर रेडियो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है तभी आप इसे बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो यह अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर एक LED लेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोस्तों इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा बहुत ही लो होगा और इसका जो पावर होगा वो बहुत ही लो है, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ एक या दो LED का यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा LED का यूज़ करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मैं एंटीना को थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ। और दोस्तों इस LED को मैं इसके एक्रॉस पर कनेक्ट करके देखता हूँ क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। LED को आपको कैपेसिटर के एक्रॉस पर कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी फेक नहीं है, ये सिर्फ रेडियो सिग्नल को रिसीव कर रहा है और इस रेडियो सिग्नल को कुछ वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपको ये दे रहा है, जो कि कैपेसिटर है वो उस वोल्टेज को स्टोर कर लेता है जो कि नॉर्मल वोल्टेज आता है, ठीक है। और उसको ये आउटपुट देता है जिसके वजह से LED यहाँ पर ग्लो कर रहा है। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ रेडियो सिग्नल को पकड़ करके वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो LED है इतना भी ज़्यादा नहीं जलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप ज़्यादा LED का यूज़ करते हो तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो पावर है बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। दोस्तों फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, ये सिर्फ रेडियो सिग्नल पर ही वर्क कर रहा है। अगर आपके घर पर रेडियो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है तो आप ये सर्किट बनाओ, अगर आपके घर पर रेडियो सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये मत बनाओ, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल पर वर्क करता है। अगर रेडियो सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो सर्किट है वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों एक बात, आपका जो अर्थिंग है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सर्किट है कुछ इस तरह से वर्क करता है। इसमें कुछ भी फेक नहीं है, आप देख सकते हो इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ये सिर्फ रेडियो सिग्नल पर ही वर्क कर रहा है। क्योंकि हमें पता है रेडियो सिग्नल में क्या आता है, कुछ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। वो उसमें भी कुछ EMF होता है और इस इंडक्टर की वजह से वहाँ पर कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है जो लो वोल्टेज आ रहा है उसको ये स्टोर करके हमें थोड़ा सा उसको इंक्रीज करके हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।